अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। युवतियों के अश्लील वीडियो बनाने वाला धराया। युवती के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाला युवक पुलिस गिरफ्त में। आर्मी में नौकरी नहीं होने के बावजूद आरोपी ने अफवाह फैलाई थी कि मैं सेना में हूँ। आर्मी महो इंटेलिजेंस ने इसकी पुष्टि की व समस्त जानकारी थाना प्रभारी को पहुँचाई। गत दिनों जिले के सतवास में युवती के कुछ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुए थे, जिसको लेकर पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट सतवास थाने पर दर्ज कराई थी। मामला SC/ST एक्ट का था, जिसके चलते प्रकरण अजाक थाने पर आया, जहां थाना प्रभारी ने प्रकरण को जांच में लिया था। पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी को मुखबिर की सूचना पर आष्टा से गिरफ्तार कर उसे न्यायालय पेश किया, जहां न्यायाधीश ने आरोपी को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के कुछ फोटो आर्मी यूनिफॉर्म में भी मिले थे, जिस पर ATS की टीम जांच कर रही है। डॉट जानकारी के अनुसार गत 6 सितंबर को पीड़िता ने अजाक थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था, जिसको लेकर महिला थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़े के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित की। पुलिस ने आरोपी योगेश पिता दुर्गा प्रसाद सोलंकी निवासी सतवास को गिरफ्तार कर उसके पास मोबाइल जब्त कर वीडियो देखे गए, जिसमें अन्य युवतियों के भी वीडियो मिले थे। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने आरोपी को 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। जानकारी के मुताबिक आर्मी में नौकरी नहीं होने के बावजूद आरोपी ने अफवाह फैलाई, मैं सेना में हूं और कई लड़कियों के साथ गलत काम किया। इसके पास से एक पेन ड्राइव भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376 SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की है। यह था मामला। 1 माह पूर्व एक युवक व युवती के साथ का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद क्रमश दूसरा वीडियो 5 दिन पूर्व आया। उस वीडियो में दूसरी युवती थी, जो को सतवास की निवासी है। उसकी शिकायत पर आरोपी योगेश सोलंकी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। बताया गया है कि वीडियो जिस तीसरे व्यक्ति ने वायरल किया था, उसे ढूंढने में पुलिस कार्य कर रही है। इस संबंध में अजाक थाना प्रभारी ने बताया कि गत दिनों फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके अश्लील वीडियो जिले के सतवास क्षेत्र में वायरल हो रहे हैं। आरोपी को पकड़े के लिए टीम गठित की गई थी, जिसमें साइबर की टीम का विशेष सहयोग रहा। आरोपी के मोबाइल में अन्य युवतियों के वीडियो भी मिले हैं, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को मुखबिर की सूचना पर आष्टा से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कुछ फोटो आर्मी की यूनिफॉर्म में भी मिले हैं, जिसको लेकर ATS की टीम जांच कर रही है। दिनांक 6/9/23 को एक पीड़िता ने स्वयं का अश्लील वीडियो वायरल होने संबंधी एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम का निर्देशन साइबर के साथ किया गया था, जिसमें एक आरोपी हमने योगेश सोलंकी को आस्था से गिरफ्तार किया है, निवासी सतवास का है, जिसके मोबाइल में हमने युवती का वीडियो पाया है और अन्य युवतियों के भी वीडियो पाए गए हैं। विवेचना भी जारी है, इसमें अभी अन्य युवतियां और भी आती हैं, तो उनके आधार पर हम इसमें अग्रिम कार्रवाई बढ़ाएंगे। अभी कौन सी धारा प्रकरण दर्ज किया गया है और इसमें रेप और IT एक्ट SC/ST एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। मैम, टीम जो बाहर से आई थी इसकी उन्होंने पूछताछ करी आदमी में फोटो वायरल जी। आरोपी के कुछ फोटो आर्मी यूनिफॉर्म में पाए गए हैं, जिसके संबंध में ATS इंदौर द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो भी निष्कर्ष होगा उससे अवगत कराया जाएगा।